हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं जा रहा हूँ लहसुन और हरी मिर्च का अचार बने। आजकल मार्केट में बहुत सारी हरी मिर्च मार्केट में आने लगी, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन लिए हैं और लहसुन भी अभी ठीक ठाक मिल जाता है। ये मैंने लहसुन के छिलके को हटा लिया है, ये लगभग 250 ग्राम से 500 ग्राम, आधा के जी के लगभग यह होगा लहसुन। ना ही मैंने मिर्चें भी लिए हैं, लगभग 100 ग्राम के लगभग मिर्चा मैंने लिए हैं। थोड़े से 2 चम्मच के लगभग मेथी है, अजवाइन है, सौंफ 2 चम्मच के लगभग है, 4 से 5 सरसों के दाने हैं, 4-5 चम्मच बड़ी चम्मच के से आप लेंगे तो 1 चम्मच होगा। ये हींग है चुटकी भर, आधी चम्मच के लगभग। तो चलिए, मैं इसकी डंडियाँ मैंने इसको अच्छे से धुल ले और इसकी डंडियों को अच्छे से आप इसको तोड़ ले और इसे हल्का सा धूप में सुखा दे, जिससे पानी पूरे निकल जाए इसके। इसको मिर्ची को और लहसुन को मैं ग्राइंड करूँगी। और इधर मैंने सिरका लिया है 2 से 3 चम्मच के लगभग। तो चलिए, मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया। इसी तरह से आप भी ग्राइंड कर ले। तो चलिए, इधर हम लोग मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने धनिया लिया है 2 से 3 चम्मच के लगभग, इसे आप डाल दें। उसके बाद इसमें सरसों हल्का सा ही रोस्ट करना है मुझे, इसे इसमें सौंफ भी डाल दें। सबको अच्छे से लो फ्लेम पर आप इसे रोस्ट करके, अगर आप इसमें आप चाहें तो मेथी डालें भी इसमें डाल करके, क्योंकि इसलिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी अचार बनते हैं। इसके इस तरह से रोस्ट कर लें लगभग 1 मिनट तक। उसके बाद इसे ठंडा हो जाए तो इसे आप सरसों है चीनी से अधिक न भूने, ये तो तीखा हो जाएगा, तीखा करू करू लगेगा तो अच्छा नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं होगा उसका। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे रोस्ट कर लिया है। थोड़ी देर से ठंडा होने तभी मिक्सी जार में इसे आप पीसे। इधर मैंने तेल भी डाल लिया है, बड़ी चम्मच से 2 चम्मच के लगभग तेल है। तेल अगर से गर्म हो जाए तब आप इसमें हींग डाल दें और इसे गर्म होने के बाद ठंडा करें। इस तरह से आप भी इसे ठंडा करें और बीच बीच में इसे इस तरह से, जिसे हींग भी अच्छे से पक जाए। तो चलिए, मैं ग्राइंड कर लेती हूँ मसालों को। मैंने तेल को गर्म कर लिया है, इस तरह से आप भी गर्म कर ले। और इसमें जो आपने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मसाले भी ग्राइंडर जार में डाल करके इसे मैंने इससे पीस लिया है। और तेल जो गर्म किए हुए थे उसमें मैंने लहसुन और अदरक ग्राइंड किया हुआ डाल करके इसको अच्छे से आप मिले। इसमें अजवाइन भी आप ऐड करके, यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग नमक ऐड किया है। अब कुछ मैं और सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि आप इसमें थोड़े से हल्दी पाउडर 2 से 3 चम्मच के लगभग डालें, क्योंकि कलर भी अचार है तो उसमें कलर आनी चाहिए अच्छे से। इस तरह से हाँ आप डाल लें इस वाले स्पून से, देख सकते हैं। इसे 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर डाला है। इसमें आप मिर्च पाउडर भी थोड़े से ऐड कर ले, हरी मिर्च है इसलिए वो तीखा होगा ही, इसलिए अधिक मिर्च पाउडर ना ऐड करें। और इसमें आप थोड़े से मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स लिए हैं, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसे 1.5 चम्मच के लगभग रख दें। और इसमें आप ये सिरका मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग लिए थे, जो मैंने आप लोग को बताया है। सबको मिला करके इसे अच्छे से आप मिला लें। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में ये अचार तैयार हो जाता है और इतनी टेस्टी और यम्मी होती है। बाद में फिर आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर ले, धूप जब लगेगी इसमें 2-3 दिन के, या ठंडी का टाइम है इसलिए लगभग 1 सप्ताह तक आप धूप इसे आप दिखाएँ, उसके बाद में इंजॉय करें इसे अचार को। बहुत ही जब अच्छे से पक जाए, मसाले तो पक चुके हैं इसके ऑलरेडी, गर्म तेल की वजह से थोड़ा सा इसे कच्चापन जो है वो आप धूप में सुखाएंगे, धूप लगेगा तो पक जाएगा अच्छे से और खाने लायक 1 सप्ताह के अंदर में हो जाता है। उसके बाद आप इसे जार में, शीशे की जार में डाल करके पैक कीजिए और कई महीनों तक इंजॉय कीजिए पूरी पराठे के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।